चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह में हम सभी लोगों ने ऐसे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को आज यहाँ पर सम्मानित किया है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हमेशा समाज के साथ खड़ा होता है। यह अन्य राजनीतिक दलों की तरह नहीं है जहाँ पर कि सत्ता प्राप्ति के लिए काम किया जाता हो, यहाँ समाज के कल्याण के लिए और समाज के साथ जुड़ने के लिए हम लोग काम करते हैं। और आज इसी तरह से हमारे मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के बाद हमारे पास 10 इस तरह के कार्यक्रम आए हैं जिसमें से आज एक चिकित्सक समारोह किया गया था। आपने देखा होगा कोरोना में किसी ने भी पूरी जनता की सेवा बिना किसी भेदभाव के हुई और उसमें सभी लोग अन्य अन्य राजनीतिक पदों राजनीतिक विचारधारा वाले भी थे, लेकिन किसी भी अन्य राजनीतिक दल ने कभी भी किसी ऐसे डॉक्टर्स का या किसी के सम्मान समारोह आयोजित नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहने के बाद भी ऐसे लोगों की चिंता की है, ऐसे लोगों को सम्मान करने का एक विचार लेकर आए हैं कि ताकि उन लोगों को सम्मानित करने से अन्य लोगों को भी एक तरह से एक इंस्पायरेशन मिलती है कि हम भी और अच्छे से अच्छा काम करके दें। तो बात बस यहीं पर ये आती है कि लोग बागों को बहुत से लोग होते हैं जो सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं कब्जे के विचार से आते हैं, कहीं ना कहीं पावर के विचार से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो लोगों की सेवा के लिए और सम्मान के विचार से आता है। इसमें हम लोगों ने सरकारी, अर्धसरकारी और निजी चिकित्सक, ये हर पूरी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हर विधानसभा में एक क्षेत्र पे, जैसे आज ये कैंट विधानसभा का कार्यक्रम है, शाम को यहाँ बरेली महानगर का कार्यक्रम होगा, इसी प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में इस तरह की चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। तो उस विधानसभा में रहने वाले काम करने वाले डॉक्टरों का और स्वास्थ्य कर्मियों का हम सम्मान करेंगे। जी, यहाँ पर मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का, सभी डॉक्टरों का सम्मान करता हूँ। हमारे महानगर के यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर आज भाजपा कार्यालय पर कार्यक्रम कर रहे हैं। महानगर की टीम के साथ मिलकर चिकित्सा प्रकोष्ठ में प्रदेश के सह संयोजक डॉक्टर प्रवीण वैसे जी हमारे साथ, सह संयोजक महानगर के डॉक्टर राजीव सक्सेना जी हमारे अध्यक्ष कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर दीक्षित जी यहाँ पर। हमने 52 लोगों का सम्मान किया है। मैं हमारा इसके बाद जो अगला कार्यक्रम होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बाद दूसरा कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री माननीय श्री सांसद जी श्री संतोष गंगवार जी हैं, हमारे पूर्व मंत्री जी हैं, और
और उसकी अध्यक्षता भी मैं करूँगा बैठ के। वहाँ पर भी करीब 50 से ऊपर डॉक्टरों का सम्मान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केवल इलेक्शन के दौरान ही केवल का अपने जो जनता है उससे नहीं जुड़ती। ये हम एक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम इलेक्शन के बाद भी हमेशा सम्मान करते थे अपनी जनता का। मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे जो मोदी जी हैं, आदरणीय मोदी जी, उनका जो संदेश है कि जनता से जुड़े रहिए। जो उन्होंने कार्य किए हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टरों का ही केवल सम्मान हो रहा है। इससे पहले जो है किसान मोर्चा को कार्यक्रम दिया गया था, किसानों को सम्मान किया गया था, क्योंकि किसान अन्नदाता है। उस समय कोरोना काल में उसने बढ़िया काम किए हम लोगों के लिए। जो भी कार्य हो सकते थे, हमारी कृषि भी से बिजनेस कंपनी हुआ, जो हमारे उपजाऊ भूमि में जो गेहूं वगैरह उसे मिलने चाहिए मिलते रहे। इसी तरीके से व्यापारियों वर्ग का भी सम्मान किया गया, हर वर्ग का सम्मान करने की कोशिश की। उसी के अंतर्गत हमको जिम्मेदारी मिली है कि जो चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी है उनका सम्मान उनका याद किया जाए। उसी के संदर्भ में यहाँ पर हम लोग हैं इकट्ठे हुए और यहाँ पर सम्मान दिए। इसमें अधिकतर MBBS डॉक्टर हैं और इसमें BMS डॉक्टर भी हैं। इसमें BMP इसमें जो समाज में काम कर रहे थे उसमें, जैसे गंगाशील में डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता जी इंटेंसिव डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर संजय वाजपेयी, तो वो सुपर स्पेशलिस्ट में आते हैं जो MCH और DM की डिग्री लिए होते हैं। नहीं, ये आप लोग आकलन करने का काम है, हमारा काम है। हम लगातार जनता से संवाद बनाए रहे और ये वही पार्टी कर सकती है। हम चुनावी मेढक की तरफ बाहर निकल के नहीं आते, लगातार जुड़े रहते हैं और यही प्रयास है कि ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे जो भी कार्यक्रम आएगा। धन्यवाद। मोदी सरकार के हमारे भारत में 8 वर्ष पूरे हुए हैं और इस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने कुछ योजनाएं बताई थी, कुछ कार्यक्रम बनाए थे, उसी के तहत आज हम यहाँ चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं। हालांकि कोरोना में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जो प्रमुख चिकित्सक थे जिन्होंने वाकई अपने जीवन पर खेल कर आम नागरिकों की, आम मरीजों की सेवा की है, उनको सम्मानित करके हम खुद सम्मानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वाकई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। सरकार की मंशा है कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने किसी भी रूप में देश की सेवा की उनको सम्मानित करके हम उन्हें एहसास दिलाएं कि आपके सम्मान को, आपके काम को हम पहचान दे रहे हैं और आगे भी इसी लगन से वो देश की और आम जनता की सेवा करते रहें। इसी संदर्भ में आज कुछ डॉक्टर्स को, कुछ चिकित्सकों को बुलाकर उनका सम्मान किया गया है। चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश के सहसंयोजक परमेंद्र महेश्वरी जी और हमारे क्षेत्र के सहसंयोजक डॉक्टर विमल भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं। इन लोगों ने ये कार्यक्रम अरेंज किया था, मैं अध्यक्ष हूँ इसलिए मुझे यहाँ बैठा लिया इन्होंने। कार्यक्रम इन दोनों का ही। नहीं, धन्यवाद।